और अब बड़ी खबर ले लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी वियना से दिल्ली लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट रिसीव करने जा सकते हैं बीजेपी के नेतागण। वियना में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। वियना में सैकड़ों भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया। भारत के विश्व बंद होने पर हमें गर्व है, प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी वियना से दिल्ली लौट रहे हैं। देर रात वो वियना से दिल्ली के लिए निकल गए थे। प्रधानमंत्री मोदी को का स्वागत करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर बीजेपी के नेतागण पहुंच सकते हैं। वियना में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। सैकड़ों भारतीय जिनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 41 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की ये यात्रा हुई है। रिश्ते मजबूत करने के लिए भारतीयों का योगदान अहम। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि दोनों देशों के बीच में जो भारतीय पुल बनाए हुए हैं उनका योगदान अहम। प्रधानमंत्री पर जनता ने भरोसा किया। तीसरी बार चुने गए भारत ऑस्ट्रिया में अनेक समानताएं हैं। भारत हमेशा से स्थिरता चाहता है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। ये निरंतरता सुशासन की है जिससे कि लगातार बीजेपी सरकार को जनता ने केंद्र में मजबूत किया है। लेकिन भारत ऑस्ट्रिया के रिश्ते मजबूत करने में भारतीयों का अहम योगदान है। जनता नीतियों पर भरोसा करती है। भारत ने युद्ध नहीं किया, हमेशा बुद्ध दिया है, यानी शांति का संदेश दिया है। विश्व बंधु के रूप में दुनिया भारत को देखती है। जल्दी हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। भारत में तेज गति से बदलाव हो रहे हैं जो विश्व को दिखाई भी देते हैं। यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। हम दोनों आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं। हम सहमत हैं कि किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, इसको किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता।